नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के डेली पेपर एनालिसिस में हमने दो आर्टिकल शामिल किए हैं जो दोनों ही एडिटोरियल पेज पर प्रकाशित हुए हैं, जिसमें पहला है द हिंदू प्रकाशित लेख क्वाइट फॉर नाउ और द इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशित लेख सीज द समिट। तो ये दोनों आर्टिकल्स हम आज चर्चा करेंगे और आपको बता दें दोनों ही आर्टिकल्स आपके आईआर के पेपर संबंधित हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों ही टॉपिक्स में किन किन बातों को शामिल किया गया है और दोनों का जो मुद्दा है वो भारत के संदर्भ में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहले इस पहले लेख में क्या, थोड़ा क्रक्स देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आपको पता है हाल ही में अभी ट्रेड डील हुई है अमेरिका और चाइना के बीच में, तो इसी संदर्भ में ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो 2017 से दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसका जो उसको रिजॉल्व करने के लिए अब पहल शुरू की गई है। नवंबर में दिसंबर के समय से दोनों ही देश इस तरफ थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है ये ट्रेड वॉर जो हुई थी पूरे ना सिर्फ इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितना डाउनफॉल आ गया था, और इसके लिए इन्होंने कई तरह के, आपने देखा कैसे अमेरिका ने कुछ टैरिफ लगाए तो उसके रिटेलिएशन में चाइना ने कुछ टैरिफ लगाए, तो इस प्रकार करके जो इनकी एक वॉर ट्रेड वॉर इसको एक भाषा का एक इस्तेमाल किया गया शब्द, तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें यहाँ पे दिखाया गया कि इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए दोनों ही देशों ने पहल करी है और अब इसके सुधार के लिए जो 2017 से हम देख रहे हैं ट्रेड वॉर उसके ही रिजोल्यूशन के लिए अब इन दोनों देशों ने एक ट्रेड डील फाइनलाइज करी है। तो ये आपको बता दें, ये इन्होंने अभी जो फेज वन की डील साइन करी है, अभी इसमें फेज टू भी आएगा, तो देखते हैं फेज टू में क्या होगा। अभी फिलहाल हम फेज वन की चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया है कैसे किस किस क्षेत्र में चाइना और अमेरिका ने कुछ समझौते किए हैं, कुछ बातें करी हैं, तो हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसमें हो सकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ये काम कर रहा है। कैसा कहा जा रहा है कि जो ट्रेड वॉर का जो रेशियो था जिसमें इस प्रकार के टैरिफ की जो अमाउंट थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फेज वन में जो इसमें रियायतें दी गई हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो फेज टू आएगा उसमें जो बची हुई जो टैरिफ दरें हैं जो बढ़ाई गई थी उसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। ऐसा ट्रंप हैं जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने ऐसी बात कही है। देखेंगे इसमें आगे क्या बात चलती है, अभी फिलहाल फेज वन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल आपका SCO संबंधित, आपको पता है भारत इस साल के अंत तक SCO समिट का जो है हेड करेगा, इसको होस्ट करेगा, तो इसी के संदर्भ में आपको वहाँ यहाँ चर्चा में बताएंगे कि किस प्रकार SCO का संदर्भ जो चर्चा में इसलिए आया कि पाकिस्तान के PM को इनवाइट किया गया भारत ने SCO समिट के लिए, तो अब मुद्दा यह बन चुका है कि कैसे अब भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस सुधर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण है, जैसे नए साल की शुरुआत में हम कोशिश करते हैं सब चीजें अच्छी हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो इसी प्रकार अब भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में भी एक नया शुरुआत करने की बात की जा रही है। जैसे अभी हाल में देखा है आपका कश्मीर का इशू जो था, कश्मीर के इशू को लेकर आपका UNSC में पाकिस्तान गया था, वहाँ पे भारत की जीत इस प्रकार से रही कि UNSC ने इस पर बात करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कश्मीर का जो मुद्दा है वो हमारा बायलेटरल इशू है, तो हर बार ये मांग उठती है पाकिस्तान की तरफ से तीसरे पटल पे कि तीसरे मंच पे कि वो कश्मीर के मुद्दे में कुछ रिजॉल्व कुछ समाधान हो, इस प्रकार भारत को यहाँ बैकफुट पे करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। लेकिन इस बार भी UNSC जो सिक्योरिटी काउंसिल थी इन्होंने इस बात को कहा कि आपस में बैठ के ऐसे कुछ रेजोल्यूशन करने की जरूरत है, ये यहाँ पर डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में थोड़ा आपको बताते हैं कि इस जो टॉपिक में इस इशू में क्या क्या बातें कही गई हैं। जैसे हमने आपको थोड़ा इसका पृष्ठभूमि बताई, 2017 में आपकी ट्रेड वॉर शुरू हुई थी और इसमें आपकी दो ग्लोबल इकोनॉमी की दो बहुत महान शक्तियां आपकी अमेरिका और आपका चाइना, तो इन दोनों के बीच में ये मुख्य वॉर शुरू हुई थी, एक युद्ध हुआ था, व्यापार युद्ध, तो इसमें टैरिफ के माध्यम से जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना आपके कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो उसी के एवर्ज में सबको पता है जो अमेरिका है वो थोड़ा संरक्षणवादी, जब से ट्रंप सरकार आई है वो संरक्षणवादी एक वातावरण और एक विचारधारा की तरफ बढ़ा है, तो उनका कहीं ना कहीं कहा जा रहा था जो सरकार ने स्टेप उठाया वो एक प्रोटेक्शनिज्म के तहत उठाया है, तो इसी के तहत जब अमेरिका ने टैरिफ लागू करे तो चाइना ने भी उसी के जवाबी कार्रवाई में जो भी सामान अमेरिका से चाइना आता उस पर भी इन्होंने टैरिफ लागू कर दिए। तो इस प्रकार जो पूरी क्रियाविधि चलती गई और इनकी टैरिफ दरें ऐसे स्तर पर आ गई थी कि इनका जो व्यापार था वो भारी मात्रा में इसमें गिरावट देखी गई, साथ ही साथ चाहे अमेरिका चाइना के अलावा और अन्य देश भी थे जिनके ट्रेड इससे कहीं ना कहीं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट रहे कई देशों के लिए, तो कहीं पे नेगेटिव रहा। अधिकतर इन दोनों की बात करें तो इनका जो ट्रेड डेफिसिट था इससे काफी प्रभावित हुआ। तो ये सब तो इसकी पृष्ठभूमि थी। अब आगे देखते हैं जो हमारी इन्होंने फेज वन की जो ट्रेड डील है
इसमें बातें क्या कही गई हैं। एक्चुअली कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डील हुई है ये एक टेम्प्रेरी समाधान है सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि आपका आपको पता है अमेरिका में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, तो शायद इसके तहत ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का ये जो कदम है काफ़ी पॉलिटिकल इंस्पायर्ड हो सकता है। तो इसके इस हालांकि इसकी शुरुआत इसी आर्टिकल में यहीं से हुई है कि ये ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक टेम्प्रेरी कोशिश है ये, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो इसके की इशूज़ थे आपका ट्रेड वॉर के जो मेन इशूज़ थे वो इसको यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया है या इसको टारगेट नहीं किया गया है। तो आगे अब देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आप राष्ट्रपति ट्रंप हैं और यही चीन के प्रतिनिधि हैं जिनके साथ ये डील साइन की गई है। बुधवार को ट्रेड डील पे हस्ताक्षर किए थे दोनों देशों ने। यहाँ बताया गया है कि चीन ने आने वाले 2 वर्षों में $200 बिलियन का वस्तु और सेवाओं की खरीद करने की बात की गई, यानी कि जो डील हुई है वो इस संदर्भ में हो कि आने वाले 2 सालों में चीन अमेरिका से $200 बिलियन की वस्तुएं और सेवाओं की आयात करेगा, खरीद करेगा। दूसरी बात, निर्यात में प्रस्तावित वृद्धि को अमेरिकी व्यापार इतिहास में अभूतपूर्व माना जा रहा है। ट्रंप सरकार ने कहा है ये एक रेसिप्रोकल और फेयर रिलेशन पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश है। 2017 के जो ट्रेड वॉर के समय चीन ने टैरिफ लगाए थे, हालांकि इस डील में जो टैरिफ लगाए थे आपस दोनों ही देशों ने, तो ट्रेड वॉर के समय तो जो टैरिफ की कम से कम 3/4 जो पार्ट है वो इसके अंदर इस डील में है ही नहीं, यानी कि आपका 1/4 जो टैरिफ की जो हिस्सा है वही फेज वन में आपका कवर किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फेज टू की डील है उसमें में भी ये जो पार्ट इस टैरिफ का बाकी बचा हुआ भाग है उसको कवर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जब इस डील की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक इतने बड़े मुद्दे में अगर कोई चीज की पहल की गई है, कुछ सुधार की पहल की गई, तो अपने आप में वो सराहनीय होता है। तो आगे देखिए, निर्यात में प्रस्तावित वृद्धि को अमेरिकी व्यापार इतिहास में अभूतपूर्व माना जा रहा है और इसके कारण चीन के अन्य व्यापारिक भागीदार को भी फायदा मिलेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात यहाँ वैश्विक पटल पर कही जा रही है, साथ ही साथ उनके घरेलू इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार के जो ट्रेड रेजोल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पता है आज के समय में कोई पूरा एक राष्ट्र जो पूरा एक विश्व है, पूरा एक आप एक गांव है, एक गांव के सेंस के एक पूरा अपने आप में एक देश है, एक पूरा विश्व की बात करें तो ग्लोबल, जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के जो आइसोलेशन होता है, किसी आइसोलेशन इन सेंस किसी देश को अगर ट्रेड के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से हम आइसोलेट या पिछाड़ नहीं सकते या उसको अलग थलग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बात अब जब ट्रेड की आती है तो ट्रेड भी आज समय में ग्लोबल, जब हमने एलपीजी की बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल ही एक समेकित रूप में होता है। यहाँ पर कहीं भी आप ऐसे अलग थलग नहीं कर सकते कि एक देश किसी के ट्रेड से हट जाए या अपना व्यापार करना किसी अन्य देश से बंद कर दे, तो ये कहीं भी ग्लोबलाइजेशन की जो विशेषताएं होती हैं उसमें कहीं भी शामिल नहीं है। तो अगर इस प्रकार के जो रेजोल्यूशन होते हैं ये काफ़ी हद तक सराहनीय और सकारात्मक होते हैं। साथ ही साथ ये बात की जा रही है जो विश्व की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं आपकी, ये दोनों ने ही कोशिश करी है जो इकोनॉमिक नेगोशिएशंस हुए हैं नेगोशिएशंस के माध्यम से, साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक जो हम बात कर रहे थे उसको इस सिनेरियो की बढ़ावा देने के लिए, जो ग्लोबली जो इकोनॉमिक वो पहल चल रही थी या जो भी संकट या चिंताएं चल रही थी उसको बढ़ावा देने उसको कम करने के लिए और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। आगे बात करेंगे तो हमने जैसे आपको बताया कि $200 बिलियन की बात चीन के माध्यम से कही गई है, चीन निर्यात या उसकी खरीद करेगा, आयात करेगा, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो होंगी वस्तुओं सेवाओं के सापेक्ष उसमें कृषि का जो रेशियो है कृषि निर्यात का वो सबसे छोटा भाग है, छोटा भाग इंसान जैसे आपको बताया हमने 200 बिलियन डॉलर है ये। इसमें जो 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि पहला पार्ट इसमें होगा आपका जिसमें ये हमने जो एग्री प्रोडक्ट्स आपको बताए कृषि के उत्पाद, इसका जो रेशियो यहाँ रखा गया है वो 50 अरब डॉलर है। अगला आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यहाँ पर जो इसका रेशियो दिया गया है या वेटेज दिया गया है वो 75 मतलब पार्टीशन किया गया 75 अरब डॉलर में। और अगला आपका आता है जो एनर्जी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको वहाँ पे इन्होंने 50 अरब डॉलर की
का भाग दिया है। तो ये इस तरह से दिखाया गया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कृषि का जो निर्यात होगा वहाँ सबसे छोटा भाग इसे दिया गया है निर्यात की जाने वस्तुओं में। तो ये अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए एक चिंताजनक विषय है, यानी जो डील हुई है कहीं ना कहीं उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से अमेरिका के लिए या चीन के लिए कुछ उसमें मुश्किल आ सकती है, मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसलिए मैंशन किया क्योंकि अमेरिका जो है सोयाबीन का आयात करता है चीन से, अमेरिका से सोयाबीन के आयात का प्रतिकारात्मक शुल्क यानी जो रिटेलिएशन हमने बात करी थी, अब ट्रेड वॉर चल रही थी तो रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगाए गए थे, तो उसी के संदर्भ में बात की गई है कि यहाँ पर जो है उस समय जो सोयाबीन पर आयात पर प्रतिबंध इन्होंने शुल्क लगाया था, टैरिफ लगाई थी, वो अभी बनी हुई है। लेकिन बीजिंग ने क्या कहा है कि हमने जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री है, मछली है, इनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ उनके लिए अमेरिका का जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनके लिए उनका बाज़ार खुला हुआ है। तो कुछ कुछ चीज़ें वहीं हमने जैसे आपको बताया 3/4 जो अभी टैरिफ लगे हुए हैं उस समय के ट्रेड वॉर के समय के, वो अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, तो उन्हीं में से एक चीज़ यहाँ पर ये मैंशन की गई है। आगे बढ़िए, चीन ने अमेरिकी बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए बाधाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। डील में एक दूसरा बिंदु ये रहा कि इन्होंने अमेरिका की जितनी बैंकिंग सेक्टर्स की बैंक्स हैं, बीमा की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अन्य फाइनेंशियल जो सेक्टर्स में सर्विसेज दी जाती हैं उनके लिए कोई भी अब यहाँ पर इन्होंने कोई सैंक्शन या प्रतिबंध या टैरिफ जैसी कोई बाधाएँ नहीं रखी हैं। इन्होंने कहा इसके लिए अब अनुमति है कि वो आए अमेरिका के जो कंपनीज हैं और आराम से चीन में अपने ट्रेड कर सकती हैं, जो भी आपके समझौते हैं वो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आईपी सिक्योरिटी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गारंटी की बात भी की गई है। यहाँ पे क्या हुआ था, आपको याद होगा जब ट्रेड वॉर का दौर चल रहा था तो अमेरिका ने, यूएस ने चाइना के जो टेलीकॉम सेक्टर की कुछ प्रोडक्ट्स थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी आई थी चर्चा में वो थी हुएवी, ये आपकी हुआई, ये वहाँ की आपको पता है चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो इस प्रकार के सैंक्शन लगने से क्या हुआ था, इनका जो काफ़ी बड़ा घाटा एक तरह से लॉस हुआ था, क्योंकि पता है आपको यूएस अपने आप में बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी सपोर्टिव कंट्री है, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करें या प्रोडक्ट्स की बात करें आपके प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, तो काफ़ी बड़ा बाजार है। तो इस प्रकार के जो सैंक्शन या प्रतिबंध लगते थे तो उससे क्या हुआ था, बहुत बड़ा भारी नुकसान पहुंचा दोनों ही देशों को, चाहे वो चीन की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें। तो यहाँ पे जो आईपी सुरक्षा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई है उसकी सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर की बात की यहाँ पे गारंटी रखी गई है। साथ ही जो यहाँ पे जो सैंक्शन की बात जो उस समय लगे थे ट्रेड वॉर के टाइम पे उनको भी बहाल करने की बात यहाँ पे हुई है। लगभग वॉशिंगटन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर प्रावधानों को लागू भी किया है। दूसरी बात यहाँ पे क्या, ये तो आपके बहुत ही सकारात्मक कदम हुए थे, साथ ही वॉशिंगटन यानी अमेरिका ने ये बात भी रखी है कि अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड के क्षेत्र में हमारे लिए जो सिक्योरिटी पर्पज से कुछ भी मुद्दा आता है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करता है, उसके लिए खतरा प्रदर्श बनता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान लगाए गए हैं, यानी कि आपके लिए ट्रेड खोला जरूर है। क्योंकि आपको पता है कई बार ऐसी बातें सामने आई कि जासूसी के माध्यम से या कोई ऐसे, खासकर अमेरिका के संदर्भ में जासूसी के माध्यम से अन्य किसी क्षेत्र की तरह इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर खतरा मंडराता रहता था। तो अमेरिका ने इसी के संदर्भ में ये बात रखी है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड जो है वो अच्छे से आपके लिए खुला है, क्षेत्र सेक्टर खुला है आपके लिए, लेकिन उसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हम उस पर युक्तियुक्त अपनी जो कार्रवाई है वो जरूर करेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि फेज टू के समझौते पर बातचीत तुरंत ही शुरू होगी और वो उम्मीद की जा रही है कि बीजिंग की यात्रा भी वो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी एक और सकारात्मक आपने बिंदु देखी है। यहाँ पे हमने फेज टू की बताई आपको बात, जो कि फेज वन की अभी हुई है डील, और फेज टू की उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फेज टू की मीटिंग की समझौता भी होगा, इस पर भी हमारी दोनों ही बड़ी जो इकोनॉमिकल एक पावर्स हैं वो भी बैठेंगी, और उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप जल्द ही बीजिंग की यात्रा भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है कि जैसे आपको बताया हमने कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, तो कहा जा रहा है कि उसको ध्यान में रखते हुए शायद ही जो चीन के स्वामित्व वाली फर्म्स और औद्योगिक सब्सिडी के सरकारी नियंत्रण का विवाद चल रहा है अमेरिका में, वो शायद ही रिसॉल्व हो, क्योंकि 2020 का जो अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद इसके हल होने की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। अमेरिका में कई ऐसी चीनी कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, जिन पे सरकारी नियंत्रण के कारण विवाद बना हुआ था, तो यहाँ पे इसी बात को मेंशन किया गया है। और आगे बात देखते हैं, बीजिंग के एक मुद्रा मैनिपुलेटर के टैग को भी वापस लेने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका ने कई बार एलिगेशन लगाए थे बीजिंग पे जो अपनी करेंसी है। आपके लिए क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि हमारी जो चीन की जो आधिकारिक करेंसी का नाम क्या है, ऑफिशियल करेंसी क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आप ध्यान, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीन
की जो ऑफिशियल करेंसी वो क्या है। तो यहाँ पे क्या होता था कि बीजिंग जो था इन पे आरोप लगाया अमेरिका ने, कई बार ये डिवेल्यूएशन है अवमूल्यन के द्वारा क्या अपनी मुद्रा का इस्तेमाल वो गेन अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाने की बात करता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है ट्रेड में उसमें जो फायदा होता है उसका फायदा, उसका जो लाभ होते हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश करता था। तो इस प्रकार के जो आरोप थे, अब माना जा रहा है कि इस प्रकार के जो समझौते हुए हैं इसके बाद ऐसी कुछ प्रतिक्रिया या ऐसे आरोप नहीं देखने को मिलेंगे। आइए आज का दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि एडिटोरियल पेज पर है। हमने आपको बताया है ये आर्टिकल एससीओ संबंधित है। आपको पता है भारत ने पाकिस्तान के पीएम को इस समिट में शामिल होने की लिए आमंत्रित किया है। तो अब चर्चा इसलिए शुरू हो चुकी है कि अभी तक निर्णय अभी आया नहीं है कि पीएम के यानी पाकिस्तान के द्वारा से इस समिट में कौन आएंगे, पीएम आमंत्रण स्वीकार करते हैं कि नहीं। क्योंकि आपको आगे बताएंगे कि जो एससीओ है एक समिट है जो कि 2001 में शुरू हुआ था, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं कि या तो हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों में से कोई भी इस समिट में पार्टिसिपेट करता है या उसे वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार इसमें देखने वाली बात यह है कि अब जो समिट होगी इस साल के अंत में, वहां पे या तो पीएम आते हैं या पाकिस्तान के कौन किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जैसे इस आर्टिकल के मुख्य बिंदु देख लेते हैं, भारत के इस साल के अंत में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, ये इसकी मुख्य बिंदु रहा। तो इसी संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी देशों की सरकारों के जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उनको आमंत्रण भेजा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। यह मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या ये शुरुआत होगी भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस की या फिर इसके आगे फ्यूचर क्या होगा। तो इस बारे में यहाँ पे एडिटोरियल में कहा गया है कि इस दिशा में पाकिस्तान को सकारात्मक कदम लेना होगा और निमंत्रण को स्वीकार करना होगा। क्योंकि क्या हुआ है कि भारत की जो आपने देखा होगा 2014 में जब पीएम का आपकी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो वहाँ पर उस तत्कालीन समय के जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वहाँ पर इनकी पाकिस्तान की तरफ से एक जो दिखाई दिए थे वो वहाँ के पीएम दिखाई दिए, 2014 में उनकी उपस्थिति दिखाई दी। उसके बाद से कोई भी ऐसी बैठक नहीं हो पाई है, कोई ऐसी ऑफिशियली हमने कोई समझौता नहीं देखा या कोई बैठक नहीं देखी। लगातार जो है भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में काफ़ी गिरावट आई है। तो यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के संदर्भ में बात की जा रही है, उन्होंने कहा है, मतलब यहाँ बात ये हो रही है कि अब जो ये इतना अच्छा मौका मिला है, अवसर जो आया है, वो दोनों ही देश इसका फ़ायदा उठाएँ। और इस समय किसी भी देश का पीछे हटने से अर्थ ये होगा कि वो दोनों ही नहीं इच्छा रखते हैं कि आगे बढ़ने की, क्योंकि आज के समय में किसी भी देश के साथ बैर रखना या इस तरह सा देशवात्मक व्यवहार रखना कहीं भी संभव नहीं है। और पता है सबका, आपने आज के समय में संपन्न देश हैं, लेकिन इस प्रकार के सौहार्दपूर्ण अगर जो माहौल होता है तो ये सिर्फ देश के लिए नहीं, वहाँ के नागरिकों के लिए भी काफ़ी अनुकूल होता है। और साथ ही साथ आपको याद होगा हमारे पूर्व पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक बात कही थी, आप अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। तो ये एक तरह से यही महत्ता को बताता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम चाहकर भी उससे कितनी भी बात करके उस समाधान को सुलझाने की कोशिश करें ये सबसे उत्तम रहेगा। यहाँ देखिए, फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भारत की बालाकोट प्रतिक्रिया हुई, फिर उसके पाकिस्तान में जवाब ने कार्रवाई करी, फिर हमारा जम्मू कश्मीर की स्थिति आ गई। तो ये कुछ क्रमबद्ध कुछ ऐसे घटनाएं होती गई हैं जहां से पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा पहल नहीं हुई है। और फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को एक दूसरे के देशों से हटा दिया था और हमारे जो पॉलिटिकल जो अपेयरेंस थी वहाँ पे बहुत सीमित हो गई है। तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल इनके जो दोनों ही के ही रिलेशंस काफ़ी ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। तो यहाँ पे इसी बात पे बल दिया जा रहा है कि इन दोनों को अपने रिलेशन सुधारने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। द्विपक्षीय व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब तक संबंधों को सुधारने में जो कामयाब रहा करता था, आपने देखा था कि भारत और जो पाकिस्तान के ट्रेड थे वो हमेशा कोई भी स्थिति होती थी लेकिन ट्रेड हमेशा चलता रहता था, बायलेटरल ट्रेड, उसमें कभी भी रोक नहीं लगी, अगर लगी भी तो कुछ सीमित समय के तक लगी और उसके बाद उसे खोल दिया गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, काफ़ी लंबे समय से, जैसे 2008 के बाद से हमने मुंबई अटैक्स देखे,
वहाँ से बिल्कुल ही आपका पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भारत का बहुत कठोर रवैया रहा, वो जो कि उचित भी था। तब से लेके कहा जा रहा है अब तक 12 वर्ष हो चुके हैं, बहुत बड़ा समय है अपने आप में किसी देश के लिए एक तरह से कट ऑफ कर लेना किसी अपने खासकर पड़ोसी देश के साथ। तो ये इस प्रकार के जो 12 वर्ष का अंतराल हम देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है, और इसको ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा जो समय है ये यही है कि अब पहल शुरू की जानी चाहिए। दोनों में जो हमने अब तक अपने संबंधों को बस सीमित कर दिया था, ये शून्य कर दिया था, तो उनको खोलने की आवश्यकता है। देखिए जैसे करतारपुर कॉरिडोर आया, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया और उसको लेकिन कहा जा रहा था कि उम्मीद की जा रही थी कि इस उद्घाटन के बाद, इस कॉरिडोर के खुलने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस भी खुल जाएंगे, मतलब ओपन दोनों देश आपस में बैठेंगे, कुछ समझौता करेंगे या कुछ बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी भी काफ़ी कोल्ड बैगेज में है इनके दोनों ही रिलेशंस। अब SCO भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय बैठक का अवसर प्रस्तुत करता है, जो कि हम अब लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि अब ये जो हमारा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों इसके प्रति लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। उम्मीदें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि दोनों ही देश बहुत बड़े, आपको पता है 2017 में ये दोनों देश SCO के सदस्य बने। इससे पहले जैसे हम आपको थोड़ी बता देते हैं SCO के बारे में, 2001 में ये SCO का गठन हुआ था, स्थापित हुआ था, इसमें 6 इसमें सदस्य थे, उसमें आपका चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 6 कंट्रीज इन्होंने मिलजुल के इसे स्थापित किया और 2017 में दोनों ये देश शामिल हुए। तो अब इसमें कुल वर्तमान में स्थिति 8 कंट्रीज की इसमें शामिल है। जो इस तरह की बैठक नए राष्ट्रवाद में निहित अटकलों का केंद्र बन जाती है, क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो अन्य देश भी, जैसे अन्य देश में भी जो अटकलें चल रही हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, या कहें कि अगर समझने की कोशिश करें, चीन यहाँ पे बहुत बड़ा एक एडवांटेज ले सकता है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान के साथ चीन के रिलेशंस किस प्रकार के हैं, तो कई बार क्या होता है इन चीज़ों का कोई इन जो मतभेद हो रखे हैं हम दोनों देशों के बीच में, तो इसका फायदा अन्य देश उठा रहे हैं, तो यहाँ पे यही बात की गई है। तो इस तरह के जो अंतराल यहाँ पर देखे जा रहे हैं रिलेशनशिप के बीच में, उनको अब खत्म करने की आवश्यकता है। साथ ही एक और मुद्दा, जैसे मैंने कुछ शुरुआत में बताया UNSC में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा रखा था, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यह कह के इसे इनकार कर दिया कि यहाँ पर ये मंच नहीं है इस इशू पर चर्चा करने का। तो इससे बड़ा आपके पास इंडिकेशन क्या हो सकता है कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी चाहता है कि आप दोनों देश मिलकर आपसी संबंधों को सुधारें और अपने जो आपसी मसले हैं, बायोलेटरल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। इस प्रकार के जो तीसरा पक्ष होता है, चाहे वो कोई भी देश हो या कोई भी संगठन हो, वो इस चीज़ों में इंटरफेयर ना करें, उसमें हस्तक्षेप ना करें, तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर है। अंत में भारत ने भी ऐतिहासिक विदेश नीति को एक बड़ा मुड़ाव देने की भी कई बार घोषणा की है, यानी कि भारत भी चाहता है कि जो हमारे अब तक रिलेशन रहे हैं, विदेश नीति जो रही है काफी कमजोर चल रही थी, दोनों की विदेश नीति कोई पहल नहीं हो पा रही थी, तो अब भारत भी चाह रहा है कि इसमें कुछ नया मुड़ाव देने की कोशिश की जाए, शुरुआत की जाए। अब शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, भारत क्या कर सकता है, जो अभी तक ट्रेड के माध्यम से कोशिश की नहीं गई थी हमारी तरफ से कि व्यापार का खोला जाए, तो इसे खोलने की जरूरत है। साथ ही जो हमारे उच्चायुक्त होते हैं इस्लामाबाद में कार्यालय में, उसे बहाल किया जाए, वापस भेजा जाए, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अब बात ये उठती है कि भारत ही क्यों पहल करे। कई बार ये अभी जब हम अपनी भावनाओं की बात करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि हमेशा भारत ही क्यों पहल करें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता या पाकिस्तान आगे से हाथ बढ़ाएगा तभी भारत हाथ बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस प्रकार के मतभेद होते हैं तो उसमें इस सिचुएशन को देखते हुए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए इस प्रकार के निर्णय लेना बहुत उचित होता है। बाकी आप जानते हैं, आप UPSC के एक्सपीरियंट हैं, आपके पास हमेशा एक अच्छा एक निर्णायक जवाब होना चाहिए कि इस प्रकार के जो मामले हैं कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं उसमें बताया जाता है किस प्रकार ट्रेड, जैसे किस प्रकार रिलेशंस को सुधारा जाए, किस प्रकार वहाँ पे डायलॉग के माध्यम से आपका सबसे उचित आपका निर्णय हो सकता है। तो इस प्रकार के जो यहाँ सुझाव दिए जा रहे हैं वो कहीं ये नहीं दर्शाता कि इंडिया पाकिस्तान के झुक रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिया की तरफ से अगर पहल होती है तो आपको पता है इंडिया आज के समय में ग्लोबली उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, एक साख बन चुकी है, तो वहाँ पे अप्रिसिएशन ही भारत को मिलेगा। तो अगर भारत की तरफ से इस प्रकार की कुछ पहल होती हैं तो अपने आप में प्रशंसनीय है।
हमें उम्मीद है आज के दोनों ही आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे और आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में या आपके आंसर राइटिंग में आपको यहाँ से कुछ जरूर मदद मिली होगी। निर्माण आईएएस के लिए कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।